अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको रेडियो बटन के बारे में बताऊंगा कि रेडियो बटन कैसे वर्क करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पे रेडियो बटन ले लेते हैं। ये हमने तीन रेडियो बटन ले ली और एक टेक्स्ट फील्ड ले ली। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं चूज योर कलर। तो यहाँ पे रेडियो बटन जो हमने लिए थे उसका भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू और यहाँ पे येलो और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। तो ये तीन रेडियो बटन लिए थे हमने। ये टेक्स्ट फील्ड ली थी और एक लेबल ले लेते हैं साथ। यहाँ पे लिख देते हैं यू चूज दिस कलर। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं हम। ओके, और इसके भी टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें वाज़े नजर आ जाए। ब्लू सेम इसी तरह भी इसको भी चेंज कर लिया हमने। रेड बटन को भी बोल्ड हो गया और इसे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम ताकि वो वाज़े नजर आ जाए। ओके, और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। ओके, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो हमने ये एक फॉर्म बनाया है, इसे रन करके देखते हैं। ये देखें, तो ये देखें, मैंने तीन रेडियो बटन लिए थे लेकिन इस पे अभी कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं करवा रहे हम इस पे। तो अब हम इस रेडियो बटन के एक्शन लिसनर पे जाते हैं डबल क्लिक करके। तो मैं कहता हूँ जो मैं ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे वो कलर वही बता दे कि आपने ये कलर चूज़ किया है। तो इस फील्ड का मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। पहले लिख देता हूँ कलर फील्ड, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कोड पे आ जाते हैं इसके। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ टेक्स्ट को। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का देता हूँ ब्लू। ठीक है, जब मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो वो फील्ड पे ब्लू प्रिंट हो जाए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो सेम इसी तरह इनके भी एक्शन लिसनर पे मैं वही कोड लगा देता हूँ। यहाँ पे कलर लिया था मैंने
येलो, और यहाँ पे मैंने कलर लिया था, और यहाँ पे मैंने रेड लिया था। तो हम इसके एक्शन पे आके यहाँ पे हम रेड कर देते हैं। तो अभी इसे रन करके देखते हैं, देखें जब मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा तो मुझे ब्लू प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसी तरह हम अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल मैं इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइट, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रन करके तो मुझे सिर्फ ब्लू ही देगा। कि मैंने यहाँ पे सेट किया था कि जब भी ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट होगा तो ब्लू शो होगा। तो अब हम इसे ऐसे करते हैं, तो हम कहते हैं कि जिस कलर का रेडियो बटन सेलेक्ट हो वही प्रिंट हो फील्ड में। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इस रेडियो बटन के वेरिएबल पे जाते हैं और उससे चेंज कर देते हैं वेरिएबल रेडियो बटन 1। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस बटन पे, यहाँ पे मैंने जो इसका वेरिएबल लिया था इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट हो गया रेडियो बटन का वेरिएबल। मैं कहता हूँ गेट टेक्स्ट कि जो भी रेडियो बटन में वो वाला टेक्स्ट पड़ा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे वो जब वो क्लिक करे उसे सेलेक्ट करे रेडियो बटन को, तो वो कलर वाली फील्ड में ये ब्लू शो करवाएगा अभी। तो हमें वो जो रेडियो बटन का टेक्स्ट है हमें सिर्फ वही चाहिए। तो मैं इसे उठा के इससे मैं कट कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम इसी तरह हम अगले बटन का भी करेंगे, इसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसे हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और जो रेडियो बटन है उसके हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, रेडियो बटन 2। सेम इसी तरह इसका भी चेंज कर दे वेरिएबल, रेडियो बटन 3। ओके, तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे भी बड़ा आ रहा है 2 और ये 3। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, हम व्हाइट पे क्लिक करूंगा तो वो जो इस फील्ड में व्हाइट ही देगा। ठीक है, अगर मैं बटन का यहाँ पे इससे इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास ब्लू कलर है, तो इसे रन करते हैं हम। तो नेम नहीं चेंज हुआ अभी, इसका हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, रन करके देखते हैं इसे, तो ये ब्लू है। जब ब्लू पे क्लिक करेंगे
तो मैं वो ब्लू देगा, ठीक है। इसी तरह हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जब जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो हमें बार बार उस वही टेक्स्ट देगा, ठीक है। तो मैं ये देखें, अभी मैं ये कहता हूँ कि ये देखें मैं ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अब इस फील्ड में सिर्फ एक ही कलर बता रहा है वो, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जब मैं एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करूं तो जो बाकी रेडियो बटन होंगे ऑटोमेटिकली अनचेक्ड हो जाएं, कि वो रिमूव हो जाएं। तो हम इस बटन के एक्शन लिसनर पे जाते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं इफ इफ अगर ये वाला बटन सिलेक्टेड है, कॉपी कर लेते हैं इस डॉट सिलेक्टेड, देन तो जो बाकी बटन है वो रिमूव हो जाए। बाकी बटन जो दो ये वाले बटन है, रेडियो बटन वन रेडियो बटन टू, इनके वेरिएबल हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं, सेट सिलेक्टेड फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ये दूसरा रेडियो बटन हम लेते हैं और सेम इसी तरह इसे भी ऐसे कर देते हैं, सेट सिलेक्टेड फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम इनको कॉपी करके बाकी बटन में भी लिख लेते हैं, इफ दिस रेडियो बटन सिलेक्टेड कॉपी, इसका वेरिएबल पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, सिलेक्टेड देन। तो जो बाकी दो बटन है वो अनचेक्ड हो जाए। तो बाकी बटन में हम सेट सिलेक्टेड उसे फॉल्स कर देते हैं और तीसरे बटन को भी हम इसी तरह से फॉल्स कर देते हैं। तो सेम इसी तरह तीसरे बटन में भी हम ऐसे ही करेंगे, इफ रेडियो बटन इसका वेरिएबल लेते हैं हम और सिलेक्टेड देन, अगर ये सिलेक्ट होता तो जो बाकी दो बटन है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। तो इसे भी हम वैसे सिलेक्टेड फॉल्स कर देते हैं, इसे भी हम फॉल्स कर देते हैं और जो दूसरा बटन है उसके भी वेरिएबल हम कॉपी करते हैं और उससे भी हम सेट सिलेक्टेड उससे भी हम फॉल्स कर देते हैं। तो अब हम रन करके देखते हैं इससे। तो ये देखें, अब हम जब इसे वाइट पे क्लिक करेंगे तो वाइट आएगा, जब हम ब्लू पे क्लिक करेंगे तो वो वाइट वाला ख़त्म हो जाएगा, रेड पे क्लिक करेंगे तो और ब्लू वाला ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि हम इकट्ठा सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था रेडियो बटन का यूज़।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।